प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शुक्रवार को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। गोरखपुर के आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने जनपद में लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांटों की समीक्षा की तथा वैक्सीनेशन के संबंध में भी जानकारी हासिल की। मुख्य सचिव ने कहा कि 15 अगस्त तक सभी चिन्हित सीएचसी पीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाने चाहिए, जिसमें लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कम से कम साइट का कार्य पूरा हो जाए और इसके बाद हमारे प्लांट की संख्या, ये भी कहना चाह रहा हूँ कि इसमें अधिकांश प्लांट को दिया गया है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक वर्क करना है या डिजिटल कराना है, ये काम स्वास्थ्य विभाग को या जो मेडिकल एजुकेशन के अगर है तो मेडिकल कॉलेज में करना है अपने अस्पतालों में, उसके लिए भी निर्देश जारी हो गए हैं। अब मैं एक एक करके चाहूंगा कि जरा जिलेवार आप जरा बता दें, इसमें एनएचआई के और सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी जुड़े हुए हैं, उनको फिजिकली यहाँ बुलाना चाहिए था जो स्टेट लेवल इंद्र निगाह का नाम है। एनएचआई के अधिकारी कौन जुड़े हुए हैं सर? कोई स्टेट लेवल के अधिकारी है कि नहीं एनएचआई के जो उसको देखते हैं? दो तीन मॉडल जोन वाइज है, तो इसके पूरे प्रदेश के मॉडल अधिकारी जुड़े हुए हैं एनएचआई के, ज्यादातर एनएचआई सस्ता है इसमें काम कराने के। अब आप लेकिन जेल का बताइए तो कहा कल मैं यानी कि ये तो शुरू से दो महीने से कह रहा हूं, उस पर डेट पर स्टार्ट करना चाहिए, वर्क स्टार्टेड से कोई मतलब नहीं है, डेट होना चाहिए कि डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, वी शुड हैव अ टारगेट डेट ऑफ कंप्लीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग ऑन ऑक्सीजन प्लांट्स। तो ये बताइए, हम सब तक दो घंटे लग जाए इसमें शेयर करने, देखिए अगर आपका होमवर्क तैयार रहता है ना तो इसमें टाइम भी लगता है, डेट्स आपकी हर जिले को अपलोड करनी है कि किस डेट तक सिविल वर्क कम्प्लीट हो जाएगा, किस डेट तक पाइपलाइन कम्प्लीट हो जाएगी, किस डेट तक इलेक्ट्रिकल डेट्स हैव टू बी अपलोडेड, जहाँ अपलोड नहीं हुई है बाई टुमारो दे हैव टू बी अपलोडेड। ये सारे डीएम, सारे कमिश्नर्स और सारे सीएमओ नोट कर लें, पोर्टल में अपडेट करने की स्थिति भी बड़ी खराब है, साथ साथ ने एक पोर्टल बनाया है उसमें भी अपलोड करिए, क्योंकि भाषागार में अभी भी बहुत सारे जिलों के प्लांट संक्षण या क्रियाशील दिख नहीं रहे हैं।